हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबा जी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त और इस चैनल का होस्ट सुधांश। और आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आप जो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो किसी भी चीज के लिए, एंड्रॉइड यूजर्स क्या करते हैं, प्ले स्टोर पे जाते हैं या फिर आईफोन वाले एप्पल स्टोर पे जाते हैं, मतलब एप्पल के फोन वाले एप्पल स्टोर पे जाते हैं, तो क्या आप वहां से जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो क्या सेफ है, सुरक्षित है, इसकी कोई गारंटी है? ऐसा नहीं है कि प्ले स्टोर पे जितने भी एप्लीकेशन आपको मिलते हैं सारे सेफ हैं। तो चलिए इस विषय पर आज हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टेक्निकल बाबा जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। और बगल में नोटिफिकेशन बेल बटन भी जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो के अगले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले जरूर ध्यान दें। पहली बात, किसी भी एप्लीकेशन को आप सर्च करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन चाहिए, चाहे वो गेम हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च बार में प्ले स्टोर के सर्च करते हो तो एक ही नहीं, उससे रिलेटेड ढेर सारे एप्लीकेशन आपके सामने आ जाते हैं। अब आपको लगता हो जो ज्यादा एमबी का है वो ज्यादा सेफ होगा, जो कम एमबी का है वो, बहुत लोग ऐसा लगता है कि कम एमबी का है तो कम सेफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम एमबी वाले भी बहुत से एप्लीकेशन है जो आपको मतलब अच्छे हैं, जो फायदे कर रहे, मतलब बहुत ही यूजफुल है। बट जो ज्यादा एमबी वाले बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जो मतलब ज्यादा एमबी लेते हैं फिर भी आपके लिए सेफ नहीं है। तो सबसे पहले किन बातों का ध्यान दें, उसकी रेटिंग क्या है, 4.1 से ऊपर की ही रेटिंग की या फिर 4.1 की रेटिंग की ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। अब आपको कैसे पता चलेगा, तो नीचे दिखता है, किसी भी एप्लीकेशन को आप सर्च करिएगा तो उसके नीचे जरूर आता है कि वो उसकी रेटिंग क्या है। अब ऐसा सिस्टम है कि रेटिंग आजकल परचेज भी कर ली जाती है, किसी भी एप्लीकेशन का ओनर चाहे तो वो रेटिंग परचेज कर सकता है, वो अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ऐसा सिस्टम है, क्योंकि वो इसलिए करता है कि कम रेटिंग वाले एप्लीकेशन आप इंस्टॉल नहीं करते हैं, जिनको पता है कि कम रेटिंग वाले एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करने हैं तो वो लोग कम रेटिंग वाले नहीं करते, उन लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐप के ओनर लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, रैंक बढ़ा लेते हैं, रेटिंग जो होती है रेटिंग अपनी खरीद लेते हैं। ऐसा सिस्टम है कि आप अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं। तो पहली बात तो मैंने ये बताया, फेक रेटिंग कैसे पता करेंगे ये भी बताऊंगा, पर ये बात याद रखिए कि 4.1 से ऊपर की रेटिंग होनी चाहिए या फिर 4.1 उससे कम का रेटिंग का एप्लीकेशन आप ना ही इंस्टॉल करें अपने फोन में तो सही है। अब देखिए फेक रेटिंग कैसे पता चलेगी, फेक रेटिंग पता करने के लिए सीधे आप उसके नीचे जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए, कमेंट सेक्शन में उसके कुछ अच्छे अच्छे बातें पढ़ने को मिल जाएगी। जैसे मैंने बहुत एप्लीकेशन में पढ़ा है, सुविचार लोगों ने अपने अपने सुविचार दिए हुए हैं तो आप अच्छे से पढ़िए, जब इतना ही अच्छा एप्लीकेशन है तो क्या उसमें अच्छे अच्छे सुविचार कहां से आए, सारे मतलब कमियां बताना अलग बात है, गाली देना अलग बात है, ठीक ना। तो एप्लीकेशन के कमेंट सेक्शन को पढ़ लीजिए, उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, पता चल जाएगा कि ये मतलब कितना सही है। अब दूसरी बात करते हैं, कोई भी मतलब मान लो आप गेम, कोई नॉर्मल गेम इंस्टॉल किए, पबजी छोड़ दें, नॉर्मल जो ऑफलाइन गेम है जिनको नेट से कोई कनेक्शन नहीं, मतलब नेट का कोई जरूरत नहीं पड़ता, बट कभी कभी होता है कि वो सब भी गेम आपके फोन के माइक का परमिशन मांगती है फोन के माइक का। अब ये मुझे बताइए कि जो ऑफलाइन गेम है जिसको माइक से कोई कनेक्शन ही नहीं है, मान लो कार रेसिंग गेम खेल रहे हो, मान लो कोई छोटी सी गेम है, कार रेसिंग गेम है, उसमें माइक का परमिशन मांगता है, माइक के परमिशन से क्या, उसका आपके कॉन्टेक्ट का परमिशन मांगता है, कॉन्टेक्ट के परमिशन का उसका क्या काम, आपके गैलरी का परमिशन मांगता है, उसका क्या काम, आप गूगल से अलाउ 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 करते चले जाते हो, गेम खेलना है तो बस अलाउ कर देते हो, बट किसी भी परमिशन को अलाउ करने से पहले एक बार जरूर सोचे कि क्या इस एप्लीकेशन को हम अलाउ कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, हम जो एप्लीकेशन को अलाउ कर रहे हैं क्या ये सही है कि नहीं है। तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय। तो ये जो छोटी सी टिप्स थी, एप्लीकेशन कोई भी इंस्टॉल करते हैं आप प्ले स्टोर से तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, जिससे आपका फोन सुरक्षित रहेगा, नहीं तो आपके फोन में उल्टे सीधे वायरस भर दिए जाएंगे और आपका डेटा चोरी होने के चांसेस रहते हैं। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन भी अच्छी अच्छी बातों से भर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।